फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीर स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, अब आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आधुनिक भारत मॉडर्न इंडिया, और जो कि APJ बेस सर के नोट्स से है, और इसका हम एक टाइप से उसे रिवीजन होता है, रिवीजन टाइप में करेंगे, और जो है इसको हम पढ़ेंगे और पूरा इसको हम देखेंगे। जैसे आज फर्स्ट क्लास है, तो रोज़ रोज़ का जैसे जितना टॉपिक थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको कवर कर ले जाएंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे आधुनिक भारत इसको दो काल में बांटा गया, एक 1757 से 1885 स्वतंत्रता संघर्ष से पूर्व का चरण है ये, और ये भारत की स्वतंत्रता संघर्ष या संग्राम ये 1885 से 1947 तक है। तो पहले हम ये देख रहे हैं कि कैसे, मतलब हम लोग कैसे पढ़ना है। तो ये एक टाइप का जैसे विषय सूची होता है, बस उस टाइप में है कि अभी पहले ये बताया जाएगा कि कैसे क्या क्या आगे पढ़ना है हम लोगों को। और इसको दूसरे टाइप से देखते हैं तो जैसे कि क्या होता है, पहले तो हम देखते हैं आधुनिक किसे कहते हैं, आधुनिकता है क्या। तो आधुनिकता है क्या, पहले हम ये देखेंगे। तो आस्था की जगह तर्क एवं विदर्क पर निर्णय आधुनिकता का परिचय है। जैसे आस्था, जैसे पहले होता था कि लोग धर्म से जोड़ के हर चीज़ें करते थे कि ये इस आस्था है, सती प्रथा जैसा है, ये सब चीज़ें आस्था से जोड़ के करते थे। तो आस्था की जगह तर्क एवं वितर्क पर निर्णय आधुनिकता का परिचय है, ये एक परिभाषा है आधुनिक भारत की। और आधुनिकता सबसे पहले कहाँ आई, सबसे पहले यूरोप में आई। तो हम देखेंगे 1757 से 1945 आधुनिक भारत, और 1945 से 1990 पोस्ट इंडिपेंडेंट का चैप्टर रहेगा। तो हम बोले इससे पहले कि बता चुके ये सूची के रूप में हम इसमें क्या क्या कैसे पढ़ना है वो हम देखेंगे। और इसमें जैसे कि पढ़ना हिस्ट्री कैसे है, तो 8th क्लास की NCERT चल जाएगी, 12th की ओल्ड NCERT चंद्रा की है, उसको पढ़ना है। तो आगे जैसे हम देखेंगे कि जो है, तो उसी टाइम पे जैसे कि एक वर्ड, ये एक पूंजीवाद, अब आप लोग के जहन में आता होगा कि पूंजीवाद किसे कहते हैं। तो बहुत लोगों को होता है पूंजीवाद नहीं पता होता है। तो पूंजीवाद का जैसे एक बहुत, इसकी आज तक इसकी परिभाषा पहले स्पष्ट भी नहीं हो पाई है। पूंजीवाद उसी 18वीं सदी में ही ये एक प्रचलन स्टार्ट हुआ, और इसको बोलते हैं जैसे कि एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें धनिक वर्ग उत्पादन साधनों पर अधिकार कर श्रमिकों का शोषण करते हैं। ये भी एक परिभाषा, बाकी इसके और जैसे कि होता है कि धनिक वर्ग हैं वो किसी चीज़ पर अपना जमा लें, जैसे कि पूंजीवाद ये होता है कि अपना पूंजी इकट्ठा कर लें। वाणिज्यिक पूंजीवाद शब्द भी ये उसी टाइम पे ही एक वर्ड है। और तो हम देखेंगे पहले आधुनिक भारत पोस्ट इंडिपेंडेंट। तो विशेष सूची रूप में जैसे हम बोले थे कि देखेंगे, तो नेशनल मूवमेंट जितने, मतलब ये सब देखेंगे, और मतलब नेशनल मूवमेंट से पहले 1750 से 1850, मतलब ये। और उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये भी वही ब्रिटेन से संबंधित है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी के तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया, इसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ये सिलसिला फिर प्रारंभ होकर पूरे विश्व में फैल गया। तो देखते हैं, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, यूरोपीय कंपनियों का भारत का आगमन पढ़ेंगे, जो 16th to 17th century कि मतलब इसकी जो घटना है पूरा इसे पढ़ेंगे। तो पहले कौन आया, पुर्तगाल आए, फिर डच आए, फिर ये अंग्रेज आए, फिर उसके बाद डेन आए, फिर उसके बाद फ्रांस आए। तो इन पहले इनको हम देखेंगे, फिर इनके फिर कारण, परिणाम, भारत राजनीतिक रूप से मतलब भारत राजनीतिक रूप से मजबूत कैसे हुआ, मतलब ये सब एक विशेष सूची के रूप में इसको हम देखेंगे। फिर आगे हम लोग देखेंगे कि 18वीं शताब्दी 1700 से 1800 मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, क्षेत्रीय शक्तियाँ का उदय कैसे हुआ, जैसे मराठा, मैसूर, राजपूताना और त्रावणकोर और कर्नाटक, निजाम लोग, मतलब इनका लोग कैसे जो है, मतलब छोटे छोटे राज्य में जैसे बट गए ये लोग, पंजाब, सिंध, इस सब में अवध, ये सब बट गए छोटे छोटे राज्यों में। तो इनको हम देखेंगे आगे चल के। अंग्रेजी राज्य की स्थापना एवं विस्तार 1757 से 1856, इसको हम लोग डार्क एज कहते हैं, इसमें मतलब डिबेट है, डार्क इज एक अंधेरा का काल, मतलब ये बहुत ही उस टाइम, मतलब कि अंग्रेज लोग जैसे होते हैं ना कि जिनको बोलते हैं गंधूर्थ, उस टाइप में ये डार्क एज रहते। फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि ब्रिटिश राज की नीतियाँ एवं प्रशासन, इसको हम लोग कॉलोनियल शासन भी कहते हैं, मतलब कॉलोनियल शासन था, एक टाइप का कॉलोनियल शासन था ये। कॉलोनियल मतलब होता है कि उपनिवेशवाद, जैसे कि आप बंगाल से जैसे वहाँ के मजदूरों को हटाने के, वहाँ पे ज़मीन पे कब्जा करने का प्रयास उन्होंने किया, ये ब्रिटिश राज के जो थे अंग्रेज लोग। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति क्या थी, तो इनकी राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीति क्या थी, सेना, पुलिस और धन का निर्गमन कैसे किए,
और रेलवे आदि, रेलवे आने पर, रेलवे जैसे कि आप जान रहे हैं कि रेलवे आने पे सोचे कि अब भारत का जो है विकास होगा, लेकिन इन्होंने रेलवे ऐसा किया कि यहाँ से बस सामान ले जाते थे और वहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे, वहाँ फिर उसके बाद वहाँ पे उसका जैसे कि कपास वगैरह कच्चा लेके जाते थे, तो वहाँ से लाके सामान यहाँ पे महंगे दाम पे बेचते थे। और जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल था तो मशीन से होता था सब कुछ, तो यहाँ की चीज़ें वैसे भी हाथ से बुनाई होती थी, तो वो चीज़ें वैसे भी यहाँ जो महंगी रहेंगी वहाँ से वो सस्ते में ला के यहाँ बेचते थे, जिससे इसका एकदम पूरा लुप्त होते चले गए। फिर कोई भी मतलब यहाँ पे कोई भी कार्य एकदम जो हाथ से बुनकर होते थे वो एकदम ख़त्म होता चला गया। तो ये सब अंग्रेज़ों की नीति थी। और फिर उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि राजनीति, इसका हम पूरा विस्तार से भी आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया कि विषय सूची है तो उसी टाइप में है। फिर आगे हम पढ़ेंगे राजनीति एवं प्रशासन का विकास क्या हुआ, फिर न्यायपालिका, सिविल सेवा, पुलिस सेवा, कानून का विकास, ये सब हुआ। उसी महत्वपूर्ण एक्ट पढ़ेंगे, सर 1773 का, 1784, 1813, 1833, 1892, 1909, 1919, 1935, और उसका महत्वपूर्ण बदलाव जो हुए हम ये सब भी उसी में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक नीति देखेंगे, सामाजिक धार्मिक नीति में सुधार, शैक्षिक नीति, विकास, जैसे कि क्या हुआ कि सती प्रथा वगैरह जो है इन्होंने फिर उसका बंद करवाया, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हम लोग में भी कमी, लेकिन उन्होंने हम लोग पर विचार की भी बहुत ही ज़्यादा। आगे राज्य एवं विचारधारा, इसमें क्या रहेगा कि श्वेत व्यक्ति पर भार का सिद्धांत, जैसे कि ये लोग बोलते थे कि भगवान हमको, जैसे उनके लोग गॉड होते थे, तो भगवान हमको सारा भार दिए हैं और जो है तुम लोग बस खाली जो मतलब श्वेत, एक अश्वेत की भावना वहाँ पे जागृत हुई कि श्वेत पर भार हो गया। ट्रस्टीशिप थ्योरी, जैसे न्यायसत्ता का सिद्धांत, ये सब हम लोग आगे विस्तार से देखेंगे। सभ्यता विकास और उपयोगितावादी तथा उदारवादी सिद्धांत आगे चल के हम देखेंगे, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, अभी एक विषय सूची के रूप में इसको देखें। और उसके बाद आगे हम देखेंगे कि अंग्रेजी शासन का प्रति विद्रोह कैसे हुआ, जैसे किसान, आदिवासी, जनजात, नागरिक, सिपाही, राजा महाराजा, ये सब 1857 के उसमें हुआ था, और जो कि विद्रोह ये कुचल दिया गया, अगर ये सफल नहीं हो पाता उस टाइम में, अगर विद्रोह ये अगर अपने ही भी कुछ लोग इसका सपोर्ट मतलब अंग्रेजों का सपोर्ट ना किए होते तो ये विद्रोह सफल हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया। इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे आगे क्लास में। उसके बाद हम 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में करेंगे। ठीक है, इतना ही। और ये जो है ये बहुत ही मतलब हम लोग इसको एक टाइप में विषय सूची के रूप में देखें और एक रिवाइज भी हो जाएगा हम लोग का, हम लोग इस नोट्स तो हम लोग है कि हम लोग के पास रहेगा भी, हम लोग इसको रिवाइज भी करते चलेंगे। और यहाँ से हम लोग एक ज़्यादा 8 मिनट 9 मिनट का वीडियो रहेगा, तो उसमें उसको ज़्यादा हम लोग कवर कर सकते हैं, अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।